हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे परिवार वालों, YouTube वालों, एक माइंड ब्लोइंग सी वीडियो का रिएक्शन लेके आ गए आपके सामने। वीडियो किसकी है नेहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी गर्ल फॉल इन लव, पाकिस्तानी वालों के होश उड़ जाते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं इंडिया जब वो बिहार को देखते हैं, पटना को देखते हैं। हाँ, यही थी, मैंने बता तो दिया था आपको। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया, ऑन बिहार, ऑन पटना स्पेशली, इसके बारे में हम आज रिएक्ट करने वाले हैं। एक तार कल टकी हुई है कि एक सेकेंड तो ठीक हो गई है। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो, एंजॉय करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा था ना, उनके होश उड़ जाते हैं जब भी वो इंडिया को देखते हैं। आज के टाइम में जब उनकी हालत इतनी खस्ता है, बहुत बुरी हालत है। देखो इंसान हम हैं, इंसान वो हैं, दया बहुत आती है उन पर कि उनकी आर्मी इतनी बुरी है कि पागल बनाई जा रही है लोगों का। खाई जा रही है, आम इंसान भूखे मर रहे हैं, उनकी आर्मी के जनरल अरबों खरबोंपति बन के दुबई जैसे देशों में बैठे हैं। ये हालात ना, मतलब अब क्या बोलूँ यार, जनता शुरू में पागल बनती थी, अभी भी वहाँ 30-40% लोग ऐसे हैं, क्या होता 50% ही हों जो अभी भी ये सोचते हैं कि भाई ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इंडिया को हरा देंगे। अंधभगत अभी भी है वहाँ, लेकिन जल्दी आने वाले 6 महीने में, साल में सबकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि पेट मांगता है रोटी, और बगावत करने के लिए, किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए भी पेट भरा होना चाहिए, तभी आप बोलोगे। तो जब धीरे धीरे दिक्कत हो रही है तो उनको अकल आ जाएगी, उसके बाद समाधान कुछ ना कुछ तो होगा। इंडिया हमेशा अपने अड़ोसी पड़ोसियों की हेल्प के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया, बस जब उनको रियलाइज होएगा ना सबको, तब हेल्प करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। यार वैसे उनकी कभी हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, नहीं पता क्या है, क्योंकि फिर वो लोग अपना रूप दिखा देते। जब वहाँ कुछ नहीं बचेगा ना, तो वहाँ की आर्मी उर्मी सब छोड़ के भाग जाएगी। वहाँ क्या बोलते हैं, कश्मीर वहाँ से अलग होने वाला है, जो उनके पास जो सा कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक और देश है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो उन्हीं का एरिया है, देश नहीं है, वो भी अलग देश बनने की मांग कर रहे हैं। खानिस्तान है ना कुछ ऐसा, वैसे कुछ है, वो भी अपने अलग बनने की मांग कर रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हो चुका है यार, वहाँ छोटे से पाकिस्तान में से और छोटे छोटे देश बच्चे निकल के भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो भाई ये रियलिटी है, बुरा मत मानना, फैक्ट है, फैक्ट को मानो, और जितनी जल्दी पाकिस्तान फैक्ट्स को मान जाएगा उतनी जल्दी वो दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। ग्रोथ तब होएगी जब एक बार स्टेबल होएगा ना, उसके बाद ही ग्रोथ होगी। अभी स्टेबल होने में बहुत टाइम चाहिए। सबसे पहला स्टेबल होने का क्या होएगा आपका कदम, कि आप लोग मानो कि आप लोग गलत थे और गलत किया पाकिस्तान ने हमेशा, और भुगती भी है, वो भी अलग बात है, लेकिन किया गलत हमेशा पाकिस्तान ने, या भुगती है वो भी बात है, जो करेगा वो भुगतेगा भी। तो वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो हम ऐसी ऐसी और भी ज्यादा वीडियोज लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, कर लेना, नेहा को फॉलो कर लेना, मेरे को भी सक्सेस ना भी करना, नेहा कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? शुक्रिया का। अच्छा मैम, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने जज करना है वो कौन सा मुल्क और उसकी कौन सी सिटी हो सकती है, ठीक है? जज कर ले मैम। अच्छा, काफ़ी अच्छी है, डेवलप्ड है। और अमेरिका? अमेरिका, हाँ अमेरिका, ये देखें ना कितनी कमाल की यहाँ पे वो हैं, ट्रेन है, पुल कितने खूबसूरत हैं, कमाल है, अच्छी है। अमेरिका या जापान, इन दोनों में से है यार। शुरू में तो चाइना की सिटी लग रही है। चाइना की सिटी किस लिहाज से, क्या देखा आपने? इस लिहाज से यार, उनके एशियन जो होते हैं, उनके मोनूमेंट होते हैं, जिस तरह के उनके स्टैचूज होते हैं, उस तरह के कुछ आए हैं, साथ में बुलेट ट्रेन आ गई एकदम चाइना में, बोला हाँ ऐसे मुझे चाइना लग रही है। तो अगर मैं कहूँ दुबई में भी होती है, दुबई में भी ऐसी ट्रेन? नहीं, दुबई में इतना पुराना सिस्टम तो नहीं ना होगा, दुबई में तो डेवलपमेंट हो गई है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेज आई हैं ज़्यादातर चाइना में ऐसी, तो उस हिसाब से मैं चाइना में हो सकती है। ये लग रहा है कोई बाहर का ही मुल्क है, कोई मेरे ख्याल से यूके वाली साइड कोई है, ये कोई यूके वाली साइड है, ये लंदन अमेरिका ही लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई लंदन अमेरिका की कोई है सिटी वगैरह। अच्छा, आपने इसमें एक ऐसी क्या चीज़ देखी जो आपने कहा अमेरिका लंदन लग रहा है? खूबसूरती है, एक देखा तो कुछ है स्टाइल, बाहर का स्टाइल सारा फॉलो हुआ। हाँ ये बकवास है ना। अच्छा अगर मैं कहूँ ना ये अमेरिका और ना ये वो लंदन है, उसके अलावा ये फेक लग रही है मेरे को ना, इसके अलावा क्या हो सकता है? कनाडा हो सकता है। हाँ ऐसी कंट्रीज में हो सकता है ये वाला स्टाइल जो अपना आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इन चीज़ों से बड़ा दूर है, बांग्लादेश रह गई है पीछे, ये कोई स्टाइल इस तरह का फॉलो नहीं करते। अच्छा अमेरिका तो आपने बता दिया कि वो जो ब्रिज वगैरह है वो, लेकिन जापान में ऐसे हैं?
जापान में ऐसे नहीं है, बट ये जो रोड्स वगैरह हैं नीट हैं काफ़ी। इवन कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस्लामाबाद भी इस्लामाबाद में भी काफ़ी रोड्स नीट एंड क्लीन है। नहीं ऐसा नहीं दिखता, बट उसकी जो है आप देखते हैं वो जो बीच का रोड है जो तीन सड़कों जैसे टाइप बनाया हुआ उन्होंने, काफ़ी अच्छा रोड हमारा बना हुआ है। लेकिन इसके साथ मिलाया जाए तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ये बहुत खूबसूरत है। अगर हम देखें इंडिया, नहीं मैम इंडिया इतना साफ और इतना डेवलपमेंट थोड़ी हो सकता है। मे बी एशियन कंट्रीज में तो ऐसा नहीं, ऐसी डेवलपमेंट या तो इसको अलग वीडियो दिखा रहे हैं, हमें अलग वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखें ना इंडिया है, ये तो इंडिया है। नहीं इंडिया नहीं है वो, मैंने उसका फ्लैग देखा है मैंने। हमारा भी तो पाकिस्तान में जैसे वो नवाज शरीफ के घर के बाहर लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तानियों का फ्लैग, वो भी लगा सकते हैं। हाँ ये भी है वैसे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इवन के ऐसी डेवलपमेंट जो है जो देखें अभी, मतलब रोड्स में इसके स्पेशली देख रही हूँ, रोड्स और बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और रोड्स बहुत नीट एंड क्लीन है बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम जापान भी नहीं है, उसके अलावा कोई बताएं? रशिया, बाकी कंट्रीज़ का खैर मुझे इतना पता नहीं है कि डेवलपमेंट है या नहीं है। ये दो तीन कंट्रीज़ के बारे में मैं ज़्यादा सर्च करती हूँ, उसका मुझे पता है। चाइना, चाइना भी हो सकता है। हाँ चाइना भी हो सकता है, चाइना भी काफ़ी ज़्यादा डिवेलप है। इवन कि उनकी पॉपुलेशन देख लें आप, हर चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री है, मैं तो हार गई। चाइना भी हो सकता है, जीत गया आप तो। अच्छा चाइना के अलावा, चाइना के अलावा एशियन है कोई के क्या? नहीं ये आप मुझे थोड़ा सा आप बताएं ना, मैं फिर चाइना के अलावा कौन सी ऐसी अंडर डेवलपमेंट? बैंकॉक लग रहा है, बैंकॉक हो सकता है, बैंकॉक लग रहा है। फिर या फिर थाईलैंड भी हो सकता है, थाईलैंड भी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ी अंडर डेवलप है ना। आप मुझे नाम बता रहे हो ना, आप मुझे थोड़ी सी ना वजह भी बताओ कि आपने ऐसी क्या चीज देखी है। बैंकॉक किस वजह से, क्योंकि बैंकॉक की जो लैंग्वेज है ना वो इंडियन से मिलती जुलती है, ठीक है, मतलब कि उनका लिखने का स्टाइल एक जैसा है। क्योंकि इसमें जो आई है ना आगे जो ट्रेन आई है उसके ऊपर सारा लिखा हुआ था, मुझे लग रहा था बैंकॉक का, ठीक है। अब आगे जब एग्जाम ही आई है, सड़कें आई हैं तो थाईलैंड में ऐसी सड़कें होती हैं, मैंने वीडियो में देखा कहीं, मैं कोई व्लॉग देखता हूँ ना मैं, फूड व्लॉग्स, तो उनके अंदर आता है कि थाईलैंड का, थाईलैंड की सिटी में जा रहे हैं ये खा रहे हो, तो मेरे सड़कों के साथ ही थाईलैंड लगा, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी और देख लें, बड़ा थाईलैंड भी नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये यार क्या हो गया आपको, स्क्रीन पे चलनी है ना वीडियो, नीचे कमेंट में पूछना ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। चलो यार मुझे आप बता देना कमेंट में कि ऑस्ट्रेलिया लग रहा है ये। अब आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया है कि क्या है, मैं भाई से भी पूछ लूं। हाँ इंडिया। हाँ अच्छा आपको इंडिया लग रहा है? इंडिया यार लग तो नहीं रहा, वैसे वो इतना साफ भी नहीं है। हाँ इतना साफ भी नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया होता तो इधर से बांदर जा रहा था, इधर से बांदर जा रहा था, इधर से गायें आ रही होती, ठीक है, इधर के बैठा होता ऐसे बनैन पहन के, इंडिया था तो फिर ये होता। पटना का नाम सुना? पटना नाम सुना यार, रिसेंटली एक वीडियो आई थी फेसबुक के ऊपर एक पटना की, पटना में इंसिडेंट हो गया, तो वो देखा इंडिया में। हाँ इंडिया में। अच्छा अगर मैं कहूँ ये वही है, वही सिटी है पटना? नहीं यार जो मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें ऐसी नहीं थी। वो कैसी थी वो? बड़ी ना कोई अंडर मतलब डेवलप कोई ऐसा सिटी थी उनकी, अनडेवलप थी, सड़कें टूटी हुई थी, बिल्डिंगें टूटी हुई थी, अब हो सकता है। मैंने देखी थी, जब मैंने देखी थी रिसेंटली तब तो नहीं थी इतनी। अच्छा, फिर वो एरिया वैसा होगा। सर मैंने आपको वीडियो दिखाई है। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि ये डेवलप है कि नहीं है। हाँ डेवलप, तो ये पटना वेल डेवलप हो गई है, ये पटना हो गई है, ये पटना ऐसा है, पटना ऐसा है। यार ना करो यार मजाक करने यार, अपनी जगह तारे गिर जानी है ऊपर से माड़े पे। पटना तारे नहीं, कहर गिरना कहर, ठीक है। पाकिस्तान जो लक्षण है तुम्हारे काम है, जो शहर हो जो इस तरह की डेवलपमेंट हुई हो। यार डेवलपमेंट नहीं पर खूबसूरती, डेवलपमेंट की बात करो। नहीं डेवलपमेंट नहीं, पाकिस्तान को डेवलप नहीं हुआ तो इतनी सिटी कहाँ से होगी। हाँ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इसके कम्पेयर टू आ सकता है पटना, इस्लामाबाद कम्पेरिजन बनता है, पटना इस्लामाबाद कम्पेरिजन हाँ बनता है, जरूर बनता है, कैसे? क्योंकि हमारा इस्लामाबाद भी इतना डेवलप है, ठीक है, पटना जैसा मैंने वीडियो देखी पटना भी डेवलप है, पटना भी खूबसूरती नज़र आ रही है, इस्लामाबाद में भी खूबसूरती है, सही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के बारे में सुना है, देखा है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। इवन उनके किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, मैंने उनको सर्च किया है काफ़ी, उसको किया है सुपर पावर हमारी अमेरिका को किया है। जब ये हमारा मसला हुआ था इमरान खान वाला, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था अमेरिका पे। उसके अलावा हम लोगों ने मैंने चाइना को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ों पर मुझे ज़्यादा मतलब पता है कि किसका क्या है। मैम ये इंडिया ही है, और उनकी एक सिटी है वो गुड़गांव के नाम से है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
शुक्रिया मैं देवी। उधर की जो और भी बहुत सी सिटीज हैं जो उन्होंने डेवलप की हैं, और उसके अलावा उनके ब्रिज मुझे बहुत ज़्यादा, और बीच बहुत पसंद है। कराची का एक स्पेशली बीच बहुत प्यारा है, लेकिन कराची के हालात आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब नीचे लो हो गए तो, लेकिन वहाँ के बीचेस जो है बहुत अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा। और मेरी विश है कि मैं एक दफ़ा इंडिया जाऊँ। मैं तो अक्सर मतलब मेरा होता है कि यार कोई स्पॉन्सर मुझे कर दे और मैं इंडिया देखूँ एक दफ़ा। अच्छा ऐसा क्यों नहीं फॉलो करते एशियन का? यार एशियन कंट्रीज के पास वैसे अपनी और भी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, जो खुद से ना बनाई गई है, नेचुरल बहुत ज़्यादा इन दोनों के पास है, एशियन कंट्री में जितनी भी कंट्रीज आती हैं। अच्छा ऐसी डेवलपमेंट क्यों नहीं है एशियन कंट्रीज में, उसकी वजह क्या हो सकती है खासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर? एशियन कंट्रीज में डेवलपमेंट इसलिए नहीं है, एक वजह तो ये भी है कि जितने भी हुक्मरान आए, हुक्मरानों से लिहाज से किया जाए बाद के जितने भी राजा आए, महाराजा आए, जितने भी आए, उन्होंने आपने देखा होगा सबसे पहले कब्जा किया गया किस पे? हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में इकट्ठा ही था, हिंदुस्तान जो एक बात होती है, हिंदुस्तान बड़े से जितना भी था उस पे कब्जा करने की कोशिश की है हर बार हुक्मरान ने, किसने मुसलमान वाहिद कौम जिसने हज़ार साल हुकूमत की हुई है इन चीज़ों पर। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से मतलब के ले गए, अंग बबंग हमारे उनके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ काफ़ी चीज़ें वहाँ से ले के चले गए, लेकिन जो हमारा स्टाइल था सिर्फ हमारे पास वही छोड़ गए, पैसा वगैरह जितनी भी शोहरत वगैरह इशरत थी सब कुछ वो ले गए सब। ये वो है पटना शहर है, बड़ी अच्छी बात है, इंडिया का शहर है यार, खुशी हुई अगर वो अपने मुल्क को इतना डेवलप करना चाहते हैं तो। यार देखा जाए तो यार वैसे जो है ना काफ़ी बैकवर्ड कंट्री है, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई यार, अपने बच्चों को एजुकेशन फुल टाइम दे रही है, उनका छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलता सब कुछ करता है, वो किस तरह आता है एजुकेशन से आते हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पे काफ़ी तवज्जो दी है। हमारे इधर भी ऐसे इकदाम होने चाहिए, हमारे इधर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ IT जो है एक आधी जो होगी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह करा रही हैं, ठीक है, इंडिया में हर जगह इसके कोने कोने में नीट आप निकालो तो IT का उनको काम करा रहे हैं, तो इस तरह उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं भाई, नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाद माशाल्लाह काफ़ी यार तजर्बा वगैरह है और पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे इधर प्रमोट नहीं किया जाता, इंडिया में इन चीज़ों को प्रमोट किया था और इनके अलावा से सेटअप, और पाकिस्तान में अगर ये सेटअप लगाए जाए तो इन्हें भी प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान भी काफी तरक्की कर सकता है। अच्छा ओहो, कर क्यों नहीं रहे फिर तरक्की? देखो भाई कुछ टाइम पहले तक ना, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जय हिंद जय भारत, हमारा देश रियलिटी में बहुत आगे जा रहा है, उसके पीछे हर एक इंसान का योगदान है, हमारे लिए ये सच्चाई है, हमारे लिए सबसे पहले हमारा भारत है, ठीक है, उसके बाद हमारा धर्म आता है, अपनी धरती को सबसे ऊपर मानते हैं हम लोग, बिल्कुल ये ऐसा नहीं मानते, इनके लिए सबसे पहले धर्म आता है, ठीक है, देश चाहे नाश हो जाए। हाँ मतलब हम अपनी धरती को माता बोलते हैं, वाकई में मानते भी हैं, मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो उसको नुचकार के उठते हैं, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं, इनका मेरे को समझ नहीं आता कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, इनको बगलराया जा रहा है। हाँ इनको जो हुक्मरान है और जो इनके टीचर है वो इन्हें कुछ गलती पढ़ा रहे हैं, जो असली में जो इस्लाम धर्म में है वो इन्हें नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जो भी पाक किताब होती है ना, मतलब जो भी अच्छी अच्छी है जो धर्म से रिलेटेड, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है किसी भी, चाहे मतलब हर की बुक का ना, हर रिलीजियस बुक का मतलब एक ही निकलता है, एक ही निकलता है, लोग उसे गलत तरीके से समझाते हैं, गलत तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं और गलत काम करवा देते हैं। बाकी दोस्तों ये रियलिटी है, वहाँ पे आज के टाइम में भूखे मर रहे हैं, 25-30 हज़ार की सैलरी वाला आदमी तीनों टाइम अपनी सब्जी में प्याज डाल के नहीं खा सकता, इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग उन्हें कुछ दे नहीं रहे तो वहाँ के हालात हो गए हैं बदतर, ठीक है। तो वीडियो देख के आ गया मज़ा, लड़कियाँ मतलब चौंक गई हैं, लड़की ये दोनों लड़के चौंक गए हैं पटना को देख के, बिहार के पटना सिटी को देख के, माइंड ब्लोइंग इतनी बड़ी सिटी है। दोस्तों एक बात जरूर बताना मेरे को कमेंट करके, हमारे सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास बिहार की है, कि भाई क्या सच में ये पूरी पूरी वीडियो पटना की है, क्योंकि इट वाज माइंड ब्लोइंग यार, सच में बहुत ऑसम था, और यार मेरा भी मन कर रहा जल्दी से पटना जाना। हाँ और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो को हमें कुछ और दिखा रहा है, इसे कुछ और दिखा रहा है, लेकिन वही दिखा रहा था, जब इन्होंने झंडा देखा था इन्होंने बोला इंडिया का झंडा है, और जब लड़की बोली कि मैं चाहती हूं मेरे कोई स्पॉन्सर करे और मैं इंडिया घूम के आऊं, मेरा मन कर रहा था मैं स्पॉन्सर, पता है क्या बताता हूं, ये वैसे हो रहा है जैसे अब इंडिया वाले ना पहले क्या सोचते थे पंजाब साइड के लोग कि भाई वो स्पॉन्सर पा दे इंग्लैंड वाला अमेरिका वाला, तो इन लोगों के लिए ना अब हम इंग्लैंड अमेरिका की बराबरी है बिल्कुल, और फिलहाल वैसे आप लोगों को बता दें पता हम ब्रिटेन के बिल्कुल पहुंच चुके हैं GDP में, और उसकी GDP नीचे गिर रही है, हमारी GDP बढ़ती जा रही है, तो बहुत जल्द हम उसे भी क्रॉस कर देंगे, बहुत जल्द हम GDP में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, ये पक्की बात है, और मजा आ रहा है भाई, देश ग्रो कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, दुश्मनों का फूल फूक रहा है ना, सबसे ज्यादा मजा तो इसी चीज में आ रहा है। तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हम दोनों अच्छे लगे, हमारी बातें अच्छी लगी, और अगर आप हमें और भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हो हमें सजेस्ट कर दो, हम उस पर रिएक्शन लेके आ जाएंगे। इसी के आते हैं इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।